हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू शिक्षा आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेल सो लाइक यू नो वी हैव स्टार्टेड आर सीरीज़ ऑन एरर डिटेक्शन उसी को आगे बढ़ाते हुए आई ब्रिंग यू दिस सेशन और आज का सेशन है एरर डिटेक्शन्स रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब हम इंग्लिश की बात कर रहे होते हैं वैन यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश या इंग्लिश जर्नल में क्या होता है वैन वी मेक स्टेटमेंट्स एंड वी ट्राई टू कंडक्ट और ट्राई टू पास ऑन द इंफॉर्मेशन एक से एक इंसान से दूसरे इंसान तक कम्युनिकेशन हो वही इंफॉर्मेशन मैं जो बोल रही हूँ वही इंफॉर्मेशन सामने वाला समझे दिस इज़ द बेसिस ऑफ एवरी लैंग्वेज ठीक है तो उसी को बनाने के लिए वी फॉर्म वॉट वी फॉर्म सेंटेंसेज वी फॉर्म फ्रेजिज वी फॉर्म वर्बल कम्युनिकेशंस एंड उसके लिए हमें क्या जानना पड़ेगा दैट की सब्जेक्ट क्या है वर्ड का किसी भी किसी भी स्टेटमेंट का अगर हमें सब्जेक्ट ही नहीं पता है सो वी कैन नॉट कम्युनिकेट ईजीली हमें पता ही नहीं चलेगा दैट वाट इज़ द अदर पर्सन टॉकिंग अबाउट सो उसी चीज़ के लिए हमें सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है एंड ताकि हम करेक्ट इंग्लिश यूज कर सकें हमें सब्जेक्ट वर्ब की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वॉट इज़ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब सिंपल ये है डेट कि हम अगर सब्जेक्ट जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर सिंगुलर है वो अगर प्लूरल है तो हम जो वर्ब यूज़ कर रहे हैं वर्ब मैंने अच्छे से डिस्क्राइब आपको अच्छे से अपने प्रीवियस एक सेशन में करा हुआ है यू कैन गो एंड वॉच दैट सेशन अगर आपको कोई भी डाउट है वर्ब क्या होता है उसके क्या एरर्स आ सकते हैं सो सब्जेक्ट इज़ द थिंग विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन द सेंटेंस जो सब्जेक्ट होगा जैसा सब्जेक्ट होगा सिंगुलर प्लूरल उसी टाइप का हमारा वर्ब लगेगा लेटस रीड द स्टेटमेंट सब्जेक्ट वर्क एवरी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सब्जेक्ट एंड बिटवीन द वर्ब एंड द सब्जेक्ट एवरी क्लॉज और सेंटेंस मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद इट सब्जेक्ट ठीक है सिंगलर प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा अगर सिंगलर है तो सिंगलर लगेगा वर्ब सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट

सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का होता है कि इफ़ देर इज अ सिंगलर सब्जेक्ट अगर मैं एक इंसान के बारे में बात कर रही हूँ या फिर एक इंसान के थ्रू बात हो रही है तो हमारा जो वर्ब होगा वो हमेशा एंड करेगा इन एस कैसे लेटस रीड द एग्जाम्पल ही रिस्पेक्ट्स हिज मदर ही इज द पर्सन वी आर टॉकिंग अबाउट सो ही इज द सब्जेक्ट यहाँ पे किसी का नाम भी मैं ले सकती थी तब भी वो सिंगुलर होता ही इज़ द सब्जेक्ट एंड ही रिस्पेक्ट्स हिज मदर तो यहाँ पे एस आ गया गॉट इट फिर उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है इफ़ दे इज अ प्लूरल सब्जेक्ट देन द वर्ब डज नॉट एंड एन एस सिंपल इसका ऑपोजिट हो गया माई सन एंड माई डॉटर रिस्पेक्ट्स में ओके सो यहाँ पर हम ज़्यादा लोगों की बात करें इट्स मोर देन वन तो इट्स प्लूरल दैट्स वाई रिस्पेक्ट आ गया रिस्पेक्ट्स नहीं आया गॉट इट ओके सो so, अब हम क्वेश्चंस करेंगे एंड यू ऑल नो द ड्रिल अभी तक हम सब जान चुके हैं आई आस्क यू टू यहाँ पे अपनी वीडियो पॉज करो और मेरे साथ ये वाले क्वेश्चंस आप ट्राई करने की कोशिश करो दिस इज़ हाउ यू विल आपका टाइम भी ज़्यादा नहीं लेगा एंड यू विल बी प्रैक्टिसिंग विद मी आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा सो द फर्स्ट क्वेश्चन ओवर हेयर इज़ नन बट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट नो एर सो दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली करेक्ट क्यों क्योंकि यहाँ पे नन बट दे दे तब हम यूज करते हैं वी नो दैट हम दे तब यूज करते हैं जब हम ज्यादा चीज़ों की बात कर रहे हैं ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं अगर एक होता तो ही शी आ सकता था ही शी इट आ सकता था एंड आर आ गया हमारा वर्ब मैंने बताया हुआ है कि ये हेल्पिंग वर्ब है ओके द गिवन स्टेटमेंट गिवन सेंटेंस सॉरी इज एप्सोल्यूटली करेक्ट इफ द सब्जेक्ट यूज आफ्टर नन बट

टेक सिंगलर सब्जेक्ट ठीक है Many, अपने आप में ही ज्यादा हो गया दैट्स वाई वी वोट टेक अ वर्ब दैट इज वॉट सिंगलर राइट मैनी स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड ये आ जाएगा सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इजां शिवांगी नेवर ने विल अलाउ ह्रदर टू तो ज्वाइन द आर्मी नो एर ओके सो दिस इज अ ट्रिकी वन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक रूल अप्लाई होगा बिकॉज यहाँ पे हम ये वाली चीज में एरर है एंड लेट एस गो थ्रू दिस एट अलाउड हमें यहाँ पे अलाउड लगाना है आफ्टर हैज़ ओके अलाउड आफ्टर हैज़ इन अ कंपाउंड सेंटेंस बोथ ऑक्सिलरी वर्ब्स मैंने बताया हुआ है ऑक्सिलरी वर्ब मीन हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड प्रिंसिपल वर्ब शुड बी मैंशन सेपरेटली ओके ज ये हमारा हेल्पिंग आ गया एंड नेवर विल अलाउ अलाउ हमारा क्या आ गया मेन वर्ब आ गया ओके वर्ब शुड बी मैंशन सेपरेटली इफ दे डिफ़र इन नंबर फॉर्म और वॉइस ओके अगर ये डिफर करते हैं नंबर में फॉर्म में और वॉइस में तो हमें ये अलग अलग ही बताने पड़ते हैं तभी नेवर हैज़ अलाउड एंड नेवर विल अलाउ अलाउड एंड अलाउ ये चीज़ आ गई इन सच केस वम इन सच केसेस वन वर्ब कैन शो द बोथ क्लॉजस ओके इन केसेज में ये वाला जो वर्ब है हमारा अलाउ एंड अलाउड एंड अलाउ ये दोनों क्लॉजिज को फुलफिल नहीं कर सकता दैट्स वाई क्या होगा ऑग्जिलरी वर्ब्स जो कि ये दोनों हैं हमारे सॉरी ये वाले विल एंड हैज ये दोनों हमारे ऑगजिलरी वर्ब्स आ गए हेल्पिंग वर्ब्स आ गए ओके नेवर हैज एंड नैवर विल कि ना है ना कभी करेगी ओके शिवांगी नेवर हैज अलाउड एंड नेवर विल अलाउ हर ब्रदर टू ज्वाइन आर्मी. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सो ऑनेस्टली शी वर्कड दैट शी वॉज प्रमोटेड बाय हर बॉस नो एरर सो आई यू नोटिसिंग कि यहां पे आज मैं वन टू थ्री एंड फोर ही ले रही हूं यूजली आई टेक फाइव पार्ट्स ए बी सी डी सो ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं पार्ट ए पार्ट ए और पार्ट वन ओके डिड शी वर्कड इनस्टेड शी वर्कड यहाँ पे सो ऑनेस्टली डिड शी वर्क आएगा यहाँ पे डिड आ जाएगा क्यों क्योंकि हमें बताना है दैट की शी वर्कड शी डिड वर्क ओके सो ऑनेस्टली डिड शी वर्क That she was promoted by her boss. So the next question is not only will Shivangi come here, but also she will stay. Okay. So the error is in the part D. Sorry, D. What not only will Shivangi will Shivangi come here, but also she will stay. शी इंस्टेड ऑफ शी विल ओके शी विल की जगह विल और फिर आएगा शी ठीक है नॉट ओनली विल शिवांगी कम हेयर बट ऑल्सो विल शी स्टे बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन मार्क क्योंकि यहाँ से हमें पता चला नॉट ओनली विल शिवांगी कम हेयर बट ऑल्सो विल शी स्टे इट्स अ क्वेश्चन ये क्वेश्चन फॉर्म करने की कोशिश करी गई है दैट्स वाई शी विल की जगह विल शी आ जाएगा Okay. My brother, like the other members of my family, were left shelterless as a result of flood in the city. No error. Okay. My brother, like the other members of my family, were left shelterless as a, uh, as a result of flood in the city. No error. द एरर इज इन पार्ट सी क्या होगा यहाँ पे इंस्टेड वर की जगह वॉज आएगा क्योंकि ये वाली चीज क्या हो रही है हो रही है वर नहीं माई ब्रदर लाइक द अदर मेंबर्स ऑफ माई फैमिली वॉज लेफ्ट आएगा वॉज लेफ्ट शेल्टरलेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लड इन द सिटी वॉज की जगह सॉरी uh, वर की जगह वॉज आ जाएगा नोट वेन टू सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय एज एज वेल एज लाइक अनलाइक डिसाइड एंड नॉट टूगेदर विद एक्सेट्रा वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट ठीक है इसमें क्या बोला जा रहा है ये वाली चीज़ मैंने इसलिए यहाँ पर इंकॉर्पोरेट करी और मैं बताना चाह रही थी कि जब भी जब भी हम बात कर रहे हों अगर सेंटेंस के बीच में एज वेल एज आ जाएगा क्योंकि लाइक शी एंड आए मतलब कि एक लड़की और दूसरी लड़की लाइक like, चेतना एज वेल एज हनी वेंट देयर ठीक है तो फिर हमारा जो वर्ब होगा वो फर्स्ट वाले के साथ को इंसाइड करेगा रादर देन द लेटर ओके जैसे लाइक शी लाइक शी ये यहाँ पे लाइक like, पसंद करने वाला लाइक like नहीं है कंपैरिजन वाला लाइक like है ये याद रखना अनलाइक ये भी कि कंपैरिजन uh, नहीं हो रहा बिसाइड इसके अलावा एंड नॉट इसके अलावा नहीं है. मतलब कि ये नहीं टुगेदर एंड एक्सेट्रा विद एक्सेट्रा वर्ब्स एग्री विद द फर्स्ट सब्जेक्ट यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे दो चीज़ों की बात होगी जब हम इन सारे वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फोमोस्ट ठीक है ये चीज़ अच्छे से मैं आपको बताती हूँ दैट वॉट आई एम ट्राइंग टू से वन एवर देर इज अ कंपेरिजन जब भी हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं लाइक ए एंड बी चीज़ की बात हो रही है लाइक like एज वेल एज बी वेंट टू द जिम तो ए के साथ जो जैसा वर्ब लगेगा वैसा ही इसके साथ लगेगा देन वी डोंट हैव टू यूज़ डिफरेंट डिफरेंट वर्ब्स ओके जैसे यहाँ पर होया माई ब्रदर ये यहाँ पर सिंगुलर चीज आ गई ना माई ब्रदर लाइक द अदर मेम्बर्स ऑफ माई फैमिली वॉज लेफ्ट शेल्टरलेस इसलिए यहाँ पर वॉज़ आया है वर नहीं आया वर इज़ प्लूरल ठीक है यहाँ के हिसाब से माई माई फैमिली वॉज माई uh, फैमिली मेम्बर्स वर आ सकता था वर लेफ्ट शेल्टरलेस बट यहाँ पे हमने पहले ब्रदर की बात कर ली राइट तभी यहाँ पे वॉज यूज हुआ है इंस्टेड ऑफ वर दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप नोट भी कर सकते हैं मूविंग फॉरवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन मोर देन वन स्टूडेंट हैज़ नॉट कम टू द क्लास नो एरर सो so, पे कौन कहाँ पे आएगा एरर देर इज नो एरर ओवर एर क्योंकि मोर मोर देन देन वन वन टेक्स अ सिंगुलर नाउन जब हम की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पे सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब ही आएगा दैट इज ऑल्सो अ गोल्डन रूल ये चीज भी आप याद करके रखो तभी ये वाली स्टेट में बिल्कुल ठीक है मोर देन वन स्टूडेंट हैज नॉट कम टू द क्लास सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर स्टूडेंट्स देन वन वर एबसेंट यस्टरडे सो यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे भी कोई एरर नहीं है यहाँ पे भी क्या हुआ मोर देन वन मतलब कि प्लूरल है जैसे कि पीछे में सिंगलर वर्ब आएगा तो इधर भी प्लूरल आएगा ओके okay? ये वाली चीज़ क्या हो रही है एवरी थिंग इज वॉट एग्री कर रहा है दैट्स वाई इस रूल का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ओके सब्जेक्ट जो है वो अपने वर्ब के साथ हमेशा एग्री करना चाहिए तभी हमारे स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे So, the next question is two-thirds of the books has been sold in the very first year of its launch. No error. So, the error is in the part B itself. Because have in place of has. ticket Have in place of has. Two-thirds of the book have. ticket Been sold. Have I here, In very first year of the launch. So, here be थोड़ी सी टे टिप्स हैं मैं आपको बताना चाहूँगी हैंडी टिप बोल लिखा था मैंने यहाँ पे वन थर्ड इज करेक्ट ओके वन थर्ड इज करेक्ट वन थर्ड इज रॉन्ग बट इफ इट्स मोर देन वन ऑफ द न्यूमरेटर लाइक टू थ्री एक्सेट्रा देन टू थर्ड नहीं होएगा टू थर्ड्स इज करेक्ट जैसे यहाँ पे टू थर्ड्स वॉज करेक्ट सो दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो दिस इज अ जर्नरल रूल नॉट जस्ट फॉर दब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दिस इज लागू इन एवरीथिंग जब हम बात करेंगे मैथमेटिक्स में भी क्वेश्चन जब आए अगर लिखा हो तो फिर ये वाली चीज पे ध्यान देना आप टू थर्ड्स फोर थर्ड्स ओके दिस इज करेक्ट रादर देन बस एक चीज में डिफरेंट है दैट इज वन थर्ड वन थर्ड इज ऑलवेज वन थर्ड नॉट वन थर्ड्स ओके सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट वर The students who wanted the teacher to declare the holiday today. So the error is in the part A. That was very self-explanatory. Here, <inaudible> was rather than were. It was the students who wanted the teacher to declare uh, declare holiday today. Okay. Next question is: I made my friend wrote a letter in blue ink. No error. So. एक और बार रीड करते हैं आई मेड माई फ्रेंड रोट अ लेटर इन ब्लू इंक नो एरर सो द एरर वॉज इन दिस पार्ट यहाँ पे हम रोट नहीं राइट लिखेंगे बिकॉज सब्जेक्ट नीड्स टू एग्री विद दिट्स वर्ब ये वाला जो वर्ब है ये आई मेड माई फ्रेंड राइट अ लेटर इन ब्लू इंक ओके सो दिस ब्रिंक्स जस्ट टू दी एंड ऑफ दिसड आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल थैंक यू बाय